अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये मौलाना महमूद मदनी साहब को हो क्या गया, इनका दिमाग चल गया या ये भाजपा से या बीजेपी से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है? मसला क्या है आखिर? इनकी तारीफ कर रहे हैं ये इस बात को लेके कि उन्होंने सिर्फ बर्खास्त किया है, तो इस तरह तो इन्हें सबको सहारा मिल रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए क्या किया भाजपा ने एक बार भी? उसने तो अल्लाह को भी गाली दी है। अमन चोपड़ा, ये बीजेपी, ये आज तक वाले एबीपी वाले, ये रोज़ है ना अल्लाह ताला की बेहुरमती करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेहुरमती तो चलो बाद में आती है, हालांकि हमारी सारी जानें कुर्बान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व ताला का दर्जा है, उसको गालियाँ देते हैं ये। यति नरसिंहानंद के लिए क्या किया है भाजपा ने? ये जिम्मेदार पार्टी है मौलाना, अपनी जबान को ना, जब आपको जो है कौम एक तरीके से नकार रही है, पूरी कौम आपको, उलमा आपको नकार रहे हैं, क्योंकि आप दबाव में हैं, ज़रूर दबाव में हैं। वो महमूद मदनी नहीं रहा आप जो पहले कभी सोनिया गांधी के टाइम में वहाँ उसमें रामलीला मैदान में चिंगाड़ता था, दहाड़ता था। अब बुढ़ापे में ना तुम्हें शोहरत की और क्या कहते हैं उसकी तलब हो गई है जीने की, अपने माल का लालच हो गया बुढ़ापे में, तुम्हारा दिमाग सट आ गया है मौलाना। ये जिम्मेदार पार्टी है, क्यों नहीं कहते कि कातिलों की पार्टी है, कातिलों को सपोर्ट करती है? खामोश रहना भी तो सपोर्ट ही है, या खामोश रहना सपोर्ट नहीं है? खामोश रहती है, रोजाना मॉब लिंचिंग होती है उस पर खामोश रहती है, रोजाना हमारे नबी को गालियां दी जाती हैं उस पर खामोश रहती है, चुप रहती है, बल्कि उनको इनके नेता उनको माला पहनाते हैं जो मुसलमानों को मार के जेल में जाता है और फिर रिहा होकर आता है। ये जिम्मेदार पार्टी है, शर्म करो मौलाना, डूब मरो अल्लाह के वास्ते, या तो अपनी जबान को बंद कर लो, टीवी चैनलों पर जाना बंद कर लो, वरना हम जैसे छोटे लोग आपकी इसी तरीके से जो है तोते बुलाएंगे इंशाल्लाह। अगर नबी की रिसालत के लिए पूरा अरब एक हो सकता है, पूरी दुनिया एक हो सकती है, तुम बीजेपी को बचाना चाहते हो, तारीफ करना चाहते हो, एक शख्स चाहिए था उन्हें, मीर जाफर एक शख्स चाहिए था मौलाना, क्या कहते हैं कि कोई भाजपा को बचाने के लिए एक मीर जाफर चाहिए था, वो मीर जाफर बनने की आप कोशिश ना करें बिल्कुल भी, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक हर उस उम्मती की आवाज़ है, ये हर उस उम्मती की आवाज़ है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। अगर आपने बीजेपी की तारीफ करने की कोशिश की, खुदा की कसम सारा मुसलमान आपके खिलाफ होगा इंशाल्लाह, और हम करने की कोशिश करेंगे।